हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पहली बार टीवी पर कब टेलीकास्ट हुआ था रामायण का पहला एपिसोड। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। 33 वर्ष पहले दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू होने में करीब 2 साल लग गए थे और रामानंद सागर के दूरदर्शन और सूचना प्रसारण मंत्रालय के चक्कर लगाते लगाते जूते भी घिस गए थे। यूं रामायण के दूरदर्शन पर प्रसारण की अनुमति तो रामानंद सागर को सन 1985 में ही मिल गई थी, लेकिन इसके प्रसारण को लेकर दूरदर्शन के अधिकारियों से लेकर मंत्रालय स्तर तक सभी इतने भ्रमित थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि देश के इस पहले धार्मिक सीरियल का स्वरूप क्या हो। इसलिए जब सागर ने रामायण का पहला पायलट एपिसोड बनाकर दूरदर्शन को दिया तो दूरदर्शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दूरदर्शन को रामायण के पायलट एपिसोड में कई आपत्तियां लगी, जिनमें एक यह भी थी कि सीता की भूमिका कर रही अभिनेत्री दीपिका को कट स्लीव्स में दिखाया गया था। दूरदर्शन को लगा यह देख लोग हंगामा कर देंगे। सागर ने फिर से पायलट एपिसोड बनाकर दिया, जिसमें सीता की वेशभूषा में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन कुछ और आपत्तियां दर्ज करते हुए दूरदर्शन ने वह दूसरा पायलट भी रिजेक्ट कर दिया। रामानंद सागर ने रामायण की शूटिंग के लिए गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर उमर गांव में सेट लगाया हुआ था, इसलिए उन्हें नए पायलट की शूटिंग करने के लिए फिर से उमर गांव जाना पड़ा था, जिसमें कलाकारों और पूरी यूनिट को वहां ले जाने पर समय और पैसा बहुत खर्च हो जाता था। फिर भी सागर ने तीसरा पायलट एपिसोड दूरदर्शन में जमा कराया, लेकिन दूरदर्शन को उसमें भी कुछ खामियां दिखी और उसे भी रोक दिया गया। इससे रामानंद सागर परेशान हो उठे। फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा रुतबा था, इसलिए दूरदर्शन में इस तरह की स्थितियां देख उनका विचलित होना स्वाभाविक था। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिरकार कब टेलीकास्ट हुआ रामायण का पहला एपिसोड। आखिरकार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 से संभव हो पाया। प्रत्येक रविवार सुबह 9:30 बजे के समय में जब यह शुरू हुआ तो जल्द ही इसने ऐसी धूम मचा दी कि सभी दंग रह गए। इतनी सफलता और लोकप्रियता की उम्मीद न दूरदर्शन को थी और न स्वयं सागर को। तब रामायण के प्रसारण के दौरान घरों के बाहर गलियों में कर्फ्यू जैसे कुछ ऐसे ही नज़ारे होते थे, जैसे आजकल लॉकडाउन के दिनों में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।